भीतर भीतर ओ बगुले बगुले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ तो आज बिना किसी चादर कप मारने के मैं आपको बताऊंगी कि हम बना रहे हैं ब्राइडल चादर जो होती है जो ऊपर से लगती है। तो हमने जब मार्केट में उसकी रेंज पूछी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी, मतलब 5,000, 6,000, 7,000। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है घर पे उसी से बनाया। एक मैंने मीशो से ऑर्डर किया था कॉटन, तो उसमें आई थी नेट वाली वाइट, तो हमने उसे चुकंदर से पिंक कलर कर दिया। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास फ्लावर पड़े हुए थे रोके के टाइम्स के, तो वो हम डेकोरेट करेंगे उसमें। तो दिखाती हूँ आपको पहले कैसे होगा, उसके बाद देखना। ये है ठीक है, तो हम इसको ऐसे करना चाहेंगे। का कलेश खत्म नहीं होती। तो ये है वो चादर, अगर ये जैसा हम चार वैसे बन गई तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। चलो शुरू करते हैं। आओ नाना आएंगे ना, अगर नानी ने देख लिया बाबू ने इतना गंदा किया है, फिर मैं बोल रही हूँ कि बाबू ने किया है। चल छोड़, हो गया जो काम, ये देखो काम में जो मैगी बनानी थी नानी के लिए। तू नानी अपने लिए मैगी बना दो, तो जब नानी तू बनाएगी बना ले। मैं मोची हूँ। मोची नहीं बनाएगी, नानी बनाएगी। नानी बनाएगी मैगी। मैं मोची हूँ। मोची नानी बनाई तो तू बना, मैं कर लूंगी। नहीं ये नानी बनाई दे साथ, तू बना ये ऐसे पकड़ सुन से करा जो एक काम कर, तू इन मैगी बना दे दी, मैं वो कर लूंगी। पानी वाली नानी आधू भाई आधू बनाया हुआ आधू तो मौसी को बोल दो मत बना करके ले जा बन गया तो रहने दे घर मत बना बना बन गया बन गया। ये मौसी की शादी के लिए ये खराब नहीं होने चाहिए यार। मौसी की शादी का हाँ तभी तो हम लग रहे थे। ये क्या है, फिर खराब हो जाएगा तो फिर मौसी की मौसी को वहाँ डेकोरेशन खराब हो जाएगा। मौसी का डेकोरेशन जब खराब तो मौसी का मूड खराब हो जाएगा बेटा, मौसी का डेकोरेशन तो चल जाएगा। और दूंगी ना मैंने, तो खा ठंडे होने के लिए, ठंडी होने के लिए ठंडी होगी ना वहां बैठ इतनी बड़ी लिपस्टिक ला कि चा तुम्हें मुझे नानी को ये दे दे मैं ये ले लूं। इससे फाइनली कुछ करा हमने काम करके, अब चलते हैं डांस के लिए। हालत नाच जैसे वो हुआ, नाच तो ऐसा हुआ कि ना जाने कैसा जिंदगी में बेचारा बहुत नाच गया। तो भाई फाइनली कुछ तो बन रहा है, स्टिल की एंड टाइम भी हमने आज पूरा शाम और उसके बाद इस पर लगा दी है। अगर अब भी नहीं वो हुआ ना हमारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अभी अपनी वो खुद सजा रही है, क्या बोलते हैं इसको, इसे ब्राइडल चादर, ब्राइडल चादर कुछ समथिंग पता नहीं क्या। तो हमने जो ये इसका कर दिया कल्याण भाई हम तो उड़ गए। तो किसी को अगर कोई डीमोटिवेट हो गया शादी से तो नविका को देख लें, ये हमेशा मोटिवेट ही रहती है। नहीं शरण के काम को वो रिखू माधो शरण जुला हम गई। बस फाइनली कुछ ऐसा हमारा डेकोरेशन हुआ, उसे अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आया था, अभी तक उसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग था, वो हमें कंप्लीट करना है। एंड देन जब भी दिखाऊंगी मैं आपको शादी के बाद ही दिखाऊंगी उसे कि कैसा वो कंप्लीट बना। एंड देन जब वो लुक आएगा
स्टील की वो जब ब्राइड बनेगी एंड देन उसके ऊपर से जब चार जने उसे ऐसे पकड़ेंगे साइड से, तब मुझे लगता है उसका पूरा लुक दिखेगा, क्योंकि अभी तो उसे बिल्कुल हॉच वॉच हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि थोड़ा बेटर बने मेरी और वीडियोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉच वॉच में ना पता ही नहीं चल पाता कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और जब फ़ोन सबके पास होता है तो वो पूरा घूमता रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाली वीडियो आप सबके लिए बेटर लेके आऊँ, कुछ अच्छा लेके आऊँ, है ना। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी।